स्टॉक को चुना है, यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। दरअसल कंपनी ने यहाँ पर जो एथर एनर्जी जिसमें इनका स्टेक है करीबन 36% का, उसमें और एडिशनल 140 करोड़ रुपए डालने का फैसला लिया है और लगभग अब इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 40% तक होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प इनका जो विडा ब्रांड है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो ये निकाले हैं इन्होंने अपने ब्रांड के अंतर्गत, उसके अलावा भी आप देखिए एथर एनर्जी में जिनका एक जिसमें इनका एक सिग्निफिकेंट स्टेक है, लगातार वहाँ पर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो बाजार के पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करेंगे तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प की भी अब अहम भूमिका धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी आप देखें तो स्टॉक में किस तरह की चाल रही है, मार्च 2023 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2400-2500 रुपए के लेवल से 3800 के पार लगभग 3900 के लेवल्स पर हीरो मोटोकॉर्प आता हुआ दिख रहा है। और तभी भी अगर आप टीवीएस मोटर से कंपेयर करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प अभी भी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अगर आप कंपैरिजन दोनों कंपनियों के हिसाब से करेंगे तो।